हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को चैनल पे स्वागत है। ठीक है, हमारे बच्चे जो इस बार नीट का जो रिज़ल्ट का जो टॉपर का मार्क्स जो होगा वो एक बहुत ही नामचीन बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी ये घोषणा किया है कि इस बार भी टॉपर जो है वो हमारे ही कोचिंग का होगा। और उन्होंने बताया कि 716 मार्क्स जो होगा वो हमारे इंस्टीट्यूशन का ही एक बच्चे का टॉपर आ रहा है, टॉपर के नाम भी बता रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, चूँकि क्वेश्चन जो है उन्होंने एक फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया है। देखिए, अब ये तो टॉपर के मार्क्स हो सकता है 716, लेकिन एक एवरेज जो होगा वो बच्चे जिनका 580 प्लस 5 प्लस माइनस हो सकता है, अगर वो मार्क्स तक लाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज इस बार ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो था फिजिक्स का काफ़ी लेंथी था और काफ़ी टाइम टेकन था, इस कारण से एवरेज बच्चे जो है इसे सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी हुआ। उन्होंने अच्छे यूँ तो जो प्रिपरेशन करने वाले जो नए बच्चे वो तो कहते ही हैं कि एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, लेकिन जो रेगुलर करने वाला जो सीरियस है मेडिकल को लेकर उसके पेपर अच्छे नहीं होते हैं, वो पेपर एवरेज जाता है। तो एक एवरेज की बात हम करें तो मार्क्स जो आएगा इस बार वो 580 प्लस माइनस हो सकता है 5 मार्क्स का। इतने ही में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात यह है कि रिज़ल्ट का कब आएगा, और जैसे कि आप विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या वेबसाइट से ये पता चल रहा है कि 30 अक्टूबर तक डेट बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, वो अभी ऑफिशियल नहीं नोटिफिकेशन हो चुका है। जिस प्रकार से आप लोग आंसर की और फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे जो हमारे वीडियो देखते हैं वो बताएं कि सर हमारा इतने मार्क्स आ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो रहा है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और उम्मीद करते हैं सब आप सबका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। जय हिंद, जय भारत।